আমি যে তোমার, সুদর যে তোমার। क्या बोले वो बच्चे तेरे को? वो बच्चे बोले कि इधर मर्डर हुआ है। मेरे को लग रहा था अभी भी कुछ बदबू आ रही है यहाँ पे। आप देख सकते हो ना, ये पूरा जो काला काला मिट्टी है, तो ये दरअसल वही है जो जलाया था कुछ साल पहले। ऐसे से सब यहाँ पे, जहाँ पर हम खिड़की पे खड़े थे ना, तो वहाँ पे पुलिस आ गई दो और उन्होंने नीचे बोला। तो क्या बोलते हैं, वो कीमत लगाया अभी के प्रेजेंट इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए तो 1500 करोड़ की ये जगह है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर भाई, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है आप देख सकते हो, मतलब मेरी इतनी ज़्यादा फट रही है और कुछ अजीब अजीब आवाज़ भी आ रही थी। पुण्यामध्ये बाणेर परिसरातील पॅन कार्ड क्लबच्या इमारतीवरील डोमला भीषण आग लागली आहे। अग्निशमन दलाच्या 5 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्यात। आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न अग्निशमन दलाकडून सुरू आहेत। आज सकाळच्या सुमारास ही आग लागलेली आहे। अजूनही ही आग धुमसती आहे। अग्निशमन दलाच्या 5 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्यात। हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए व्लॉग में। ये जो व्लॉग है वो बहुत हटके होने वाला है। आज मैं आया हूँ पैन कार्ड क्लब जो कि बानर में है और ये एबंडेंट जगह है। तो ये एबंडेंट क्यों हुआ, उसके बाद ये हॉन्टेड है क्या, या फिर इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो क्या है, तो सब मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। काफ़ी टाइम से मेरी इच्छा थी ये व्लॉग को बनाने की, मतलब 2 साल पहले मेरे को ये जगह के बारे में पता चला था। आज फाइनली आ रहा हूँ, प्लान एग्जीक्यूट हुआ है। हमारे साथ चिन्मय है, तो मेरी तो फट्टी है क्योंकि ऐसी जगह पर जाने में, क्योंकि लास्ट ईयर में मेरे घर के पास में जो बिजली नगर का जो वाटर प्लांट ट्रीटमेंट है वो भी एबंडेंट है ऐसे ही, तो उसका ब्लॉग बनाया था। अकेले गया था मैं, मेरी बहुत फट गई थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी ऐसी जगह पर अकेले नहीं जाऊँगा, तो इसीलिए मेरे जैसे भूत को साथ में लेके जाएगा और हमारे 2 भूत आने वाले थे, तो वो क्या बोले एंड मोमेंट पे वो आए नहीं, इसीलिए ये खाली 1 भूत आया है। तो अभी इसके अंदर चलते हैं और बिना किसी देरी के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। भाई यहाँ से हमने एंट्री ली, यहाँ पे 2 वॉचमैन के जो चेक इन टावर रहते थे मतलब पहले समय में, तो वो है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे जो क्या बोलते हैं वो स्प्रे से जो ड्राइंग्स बनाते, उसको मैं भूल गया नाम, कुछ तो बोलते ग्राफिटी बोलते उसको, ग्राफिटी बोलते। प्यारी जगह का नाम क्या है कि इधर बहुत सारे लोगों ने पेंटिंग्स की है और इधर एक मकड़ी का जाल बना हुआ है। ये देखिए इधर एक हॉन्टेड ऐसा प्लेस दिख रहा है जो आप हॉन्टेड है नहीं, हॉन्टेड है नहीं बट है, हॉन्टेड है क्योंकि ये देखने में भी देखो वो जो दिख रहा है ना वो UFO जैसा दिख रहा है मेरे को तो, और ऐसा लग रहा है कि उधर कोई बैठा हुआ है क्या जो एलियन होगा। हेलो अर्थलिंग, आई एम एन एलियन फ्रॉम अनदर प्लैनेट। At the present moment, I have changed into this mobile phone. तो ये देख सकते हो यहाँ पे बीच में ये फाउंटेन हुआ करता था यहाँ पे, और वो जो आप देख सकते हो ना वो UFO की तरह, तो उसको Area 51 बोलते हैं। तो उधर जाके मैं बताता हूँ कि इसको Area 51 क्यों बोलते हैं। और ये बड़ा सा ये देख सकते हो बिल्डिंग, ये एक्चुअली होटल हुआ करता था, लग्जूरियस होटल जो रिच लोग रहते थे तो उनके लिए होटल हुआ करता था। ये भी एबंडेंट है। तो पहले हम ये जो 2 बिल्डिंग है, ये वाली और ये पीछे वाली, ये 2 को कवर करेंगे। और यहाँ पे पीछे एक वॉचमैन का जो क्या बोलते केबिन है, उसमें 2 बेवड़े लोग बैठे, तो धीरे बोल रहा हूँ मैं इसीलिए। तो ये पीछे की एक बिल्डिंग है ना, इसमें जा रहे। चिन्मय क्या बोल रहा था, BGMI क्या? हाँ ये ऐसा लग रहा है कि BGMI का शूटिंग हो रहा है इधर, या BGMI बहुत सारे किल्स लिए हैं मैंने 8-9 और अभी चिकन डिनर थोड़ी देर में होने वाला है। भाई 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 रात में तो फटकिया हाथ में आ जाएगी, मेरी तो फटके पहले हाथ में आ रही है। और ये देखो भाई क्या हालत हो रखी है ये, मतलब मैंने कई सारे व्लॉग्स देखे थे यहाँ पर आने से पहले, बट हम जहाँ पर अभी खड़े ना ये किसी ने नहीं दिखाया है। थोड़ा सा अंदर जाता हूँ, ये देख लो भाई, भाई शपथ। इधर एक टेबल भी दिख रहा है मुझे, ये शायद से किचन हुआ करता था, और ये एक छोटा सा टेबल है। अब ये एक छोटा सा ऑफिस हुआ करता था आई गेस, इसीलिए ऐसा है। यहाँ पे वॉशरूम भी है, ये देखो, वही बहुत संभल के चलना पड़ता है नहीं तो भाई व्हाट। ये देखो भाई,
अब ये टेबल में कुछ, ये देखो ये डॉक्यूमेंट्स कुछ है, देखो ये कुछ तो पेपर है, मैं अभी देखता हूँ इसको खोल के। रोमिंग लिस्ट, सुनील शाह, कुछ तो है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे कागज पड़े, तो ये ऑफिस हुआ करता था। तो चिन्मय भाई लगता है डर गए। चिन्मय भाई किधर हो? अरे भाई किधर हो? यहाँ पे कई सारे लोग पार्टी करने आते हैं, देखो पिज्जा के बॉक्सेस पड़े यहाँ पे। थोड़ी सी डरावनी जगह है, मतलब अभी तो हम शाम के 4 बजे आए। यहाँ पे भी देखो एक टेबल है यहाँ पे, हुई यहाँ पे तो काफी बड़ा ऑफिस लगता है। देखो यहाँ पे एक टेबल है, उसके बाद यहाँ पे भी एक टेबल है, और ये 1997 से है ये जो पैन कार्ड क्लब है ना, वो 1997 से चालू है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि 1997 से ये टेबल यहीं पर पड़ा है। एंट्री मारी थी, और ये देखो ये तो खाली स्पेस पड़ी है। मतलब ये 1997 का जो आर्किटेक्चर है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसा क्यों भी खुला छोड़ दिया है ऑफिस के बाहर ही। अभी थोड़ा उस साइड से जाते हैं, उधर भी एक बंगला काइंड ऑफ थोड़ा दिख रहा है मेरे को, तो उधर चलते हैं। चिन्मय भाई तो डर के चले गए। यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, छोटा सा ग्राउंड है। तो चिन्मय वो 2 बच्चों के साथ कुछ तो बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। ये देखो ये एक छोटा सा बंगला काइंड ऑफ थिंग दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे कार है तो कोई तो है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे हम ये बंगले जैसे चीज़ें में आए थे, और यहाँ पे एक स्टेयर्स टूटी है, ऊपर जाने का रास्ता तो अभी नहीं है, और ये ज़्यादा ही स्पूकी चीज़ है। ये देखो भाई अभी ये क्या हुआ करता था कोई आइडिया नहीं है, बट ऐसा लग रहा था वो काइंड ऑफ विल्ला काइंड ऑफ थिंग लग रहा था पहले के ज़माने का। ये देखो क्या हुआ, आओ कि यार भूत को लेके आए तो भूत की वट्टी पड़ी है। कब से देख रहा हूँ, बहुत ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो मेरे से। ये देखो अब यहाँ पे ऊपर भी जा सकते पर मैं तो नहीं जा रहा हूँ। ये देखो ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ क्या है ये। यहाँ पे भी स्टेयर से ऊपर जाने के लिए, ये देखो तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। कितनी फट रही है भाई? हाँ बोलूँगा तेरे को, मेरे को हिस्ट्री हिस्ट्री जब पता चली ना तब से मेरे पास तेरे सर। क्या बोले वो बच्चे तेरे को? वो बच्चे बोले कि इधर मर्डर हुआ है, और इसके इस जो बिल्डिंग है ये जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, रन आउट, अरे पकड़ तो मैं, ये जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है इधर मर्डर्स हुए है, इसके पार्किंग के ठिकाने में 5-6 डेड बॉडीज है। तो वहाँ से अभी निकल चुके, और ये जैसे बोल रहा था हॉन्टेड है, मर्डर हुए, तो ये खाली मतलब ये जो इधर के बच्चे हैं वो ऐसा बोल रहे, ऐसे हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। और जहाँ तक मैंने वीडियोस और न्यूज़ आर्टिकल पढ़े गूगल पे, वैसा तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं था कि जो अभी चीन में जैसे बता रहा था मर्डर्स वगैरह हुए, ऐसा क्राइम सीन क्या बोलते, ऐसे डेड बॉडी छुपाई है। मुझे पता नहीं है कितना सच है, बट ये बोल रहा है, मुझे तो पता नहीं झूठ लग रहा है ये। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स सब यूएफओ जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसको एरिया 51 बोलते हैं, क्योंकि ये यूएफओ जैसा दिखता है। मतलब जो अमेरिका में एक जगह है एरिया 51, जहाँ पे ऐसा कंसिडर करते कि यहाँ पे एलियंस की एक्टिविटी चलती है, तो वैसे ही ये यहाँ का एरिया 51 ऐसा यूएफओ जैसा दिखता है, इसीलिए इसको एरिया 51 बोलते हैं। और ये जब स्टार्ट हुआ था 1997 में, तब ये डिस्को बार हुआ करता था, और पुराने फुटेजेस अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और ये
बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि 1997 में शुरू हुआ था, तो उस ज़माने के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था और काफ़ी अच्छी प्लानिंग करके बनाया था। मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर अभी ये अच्छी जगह होती तो भाई कैसी दिखती, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती ये जगह। और जो उस टाइम के जो बड़े लोग होते थे रिची रिच, तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे कि लैम्बोर्गिनी, पोर्श, फरारी, वो सब लेके आते थे पार्टी करने के लिए इस जगह पे। यहाँ पे ना काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर लगा के रखे, मुझे लगता है ऐसा रखा है इन्होंने क्योंकि कोई जाए ना, बट हम फिर भी जाएंगे आपके लिए। तो बेसिकली अभी जहाँ पे मैं खड़ा हुई है डिस्को बार का एंट्री, और यहाँ पे एक और एक इंसिडेंस हुआ था अभी कुछ 3 साल पहले 2021 में या फिर 2020 में। तो अपेरेंटली हुआ यूँ था कि जो लोकल माफिया का कोई गुंडा वगैरह था, भाई वगैरह था, उसने क्या किया, ये जो यूएफओ का जो नीचे का पोर्शन है ना या फिर ये ऊपर का भी जो पोर्शन है ना वो जला डाला था, उसने जानबूझ के जला डाला था। अब मैं यहाँ पे एक वीडियो भी डाल दूंगा, तो वो जब जल रहा था ना उसका वीडियो शूट किया था और बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे जमा हुई थी। तो एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और मतलब कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे आग लग चुके। तो फिर इन्वेस्टिगेशन किया, तब पुलिस लोगों ने बताया कि वो जो लोकल माफिया था इसने आग लगाई थी, क्योंकि फिर एक बार आग लग गई तो थोड़ा इस जो एरिया की हालत है वो थोड़ी ख़राब हो जाए, और एक बार हालत ख़राब हो गई, सब टूट फूट गया, तो जो प्राइस है इस जगह की वो थोड़ी कम हो जाए और वो कम दाम में इस लैंड को खरीद सके। तो इसीलिए वो जो माफिया था उसने इस जगह पे आग लगाई थी, तो आग लगाई थी। बट अभी भी मतलब यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आग, मतलब वो जो जलन का निशान रहता है ना वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, वो जो काला काला निशान रहता है। और चिन्मय बोल रहा था कि ये बहुत ही पुराना काम है, ये आपको कैसे पता चला पुराना काम है? ऐसा देख के तो लग रहा है कि बहुत पुराना है। अभी ऊपर चलते, सिंपल है, अगर कोई भी देखेगा तो इसको कोई भी बोलेगा कि पुराना है। और ये और मतलब देख सकते हो काफी अश्लील ड्राइंग्स बनाए गए हुए यहाँ पे, बहुत चार भरे निशान है इधर, और कपल्स के हड़ू हड़ू कपल्स का दिल बनाया इधर। यहाँ पे दो लोग ऊपर ऑलरेडी बैठे हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा उनके सामने। ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी जगह है, वो देखो हमने वहां पर गाड़ी पार्क की है, और ये डिस्को बार देख सकते हो यहाँ पे। आप देख सकते हो ना ये पूरा जो काला काला मिट्टी है, तो ये दरअसल वही है जो जलाया था कुछ साल पहले, ऐसे से सब यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो, ये फ़ोन पकड़ो, तो यहाँ पे डिस्को लाइट्स हुआ करते थे। और यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे लोग टेबल डाल के खाना खाते थे, ड्रिंक्स एंजॉय करते थे, और यहाँ पे लोग नाचते थे। तो अभी मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ ना, यहाँ पे मैं अभी एक फुटेज डाल रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था ये जगह। मतलब क्योंकि मैंने वो फुटेज देखा हुआ है तो मुझे पता है कि भाई, मतलब बुरा लग रहा है कि भाई ये जगह की हालत क्या हो के रखी है। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार अभी भी रहता तो कितना ज़्यादा और बढ़िया होता। मतलब 1997 में बनाया था तो इतना खूबसूरत था, अभी 2024 में अगर होता तो और भी ज़्यादा ये इम्प्रूवमेंट कर दे इस जगह को, बुरा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा ऐसे कूड़ेदान बना के रखा है इन लोगों ने। अभी मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ ना, ये मतलब 15 एकड़ पे बसा है, और इसकी अगर मतलब क्या बोले, एक एस्टिमेटेड इवैल्यूएशन लगाए या फिर एक क्या बोलते हैं वो कीमत लगाए अभी के प्रेजेंट इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए, तो 1500 करोड़ की ये जगह है एज़ पर इन्वेस्टर्स जो पैनल होता है, या फिर जिन्होंने भी इन्वेस्टर एक्सपर्ट से उन्होंने दावा किया है कि 1500 करोड़ की ये जगह है। तो मुझे पता नहीं इस जगह का ओनर कौन है, बट जो भी ओनर था उसने कुछ नॉर्म्स वायलेट किए थे सेबी के, इसके वजह से फिर वो सेबी ने इस जगह पे क्या बोलते पूरा अबैंडन डिक्लेयर कर दिया था 2014 के बाद, और तब से ये जगह ऐसी ही पड़ी है। और एज जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे ये जगह पूरी ख़राब हो जाती है। और मुझे क्या लगता है कि अगर मतलब एक बार ये अभी तो ये लीगल चला गया, कोई भी अगर कोर्ट में चला जाता है केस डिस्प्यूट, तो फिर भाई उसको सालों साल लग जाते हैं, कई बार तो
पूरी जिंदगी निकल जाती है, बट वो कोर्ट कचहरी के चक्कर ख़त्म नहीं होते। तो अगर गलती से ये जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो गया और किसी ने मतलब वापस से जगह रिक्लेम करने की कोशिश की, या फिर किसी ने बाइड लगाई और किसी ने एक प्राइवेट कंपनी ने खरीद ली ना ये जगह, तो भाई इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी ना ये जगह, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। मतलब बस यही है कि कोई तो बिड लगाए और कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह या फिर जो कोटी बंगले वाले लोग हैं इस जगह को खरीद ले। एक बार किसी ने अगर बिड जीत ली ना, तो ये पूरा ऐसे डिमोलिश करके एक नई जगह बना सकते हैं, या फिर जो अभी करंट स्टेट है इस होटल का, तो उसको ही रीडेवलप कर सकते हैं। हालांकि जो अभी का करंट स्टेट है उसको मद्देनज़र रखते हुए मुश्किल है वापस से रीडेवलप करना, बट मुझे लगता है कि डिमोलिश कर लिया ना तो भाई फिर मस्त हो जाएगा ये काम। के बैक साइड में हूँ और यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता है और ये है वो मेन एरिया। तो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसे एक चक्कर डाल के उस बिल्डिंग में जाने वाला हूँ। भाई ये देखो, यहाँ पे कुछ लोग एकदम टॉप पे चले गए। मतलब भाई हम तो नहीं जाएंगे इतना टॉप पे, क्योंकि भाई लिफ्ट नहीं है, इतना कौन चल के जाएगा। तो भाई अभी हम जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पर आए, और भाई इतना गंदा वो एंट्रेंस की ओर कचरा था ना, इतना गंदा, मेरे को मतलब रूमाल डाल के मैं आया, इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। मेरे को लग रहा था अभी भी कुछ बदबू आ रही है, मतलब इतनी गंदी बदबू थी, मुझे लग रहा था कि भाई वापस से चले जाओ। ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा जो ग्रैफिटीज है वो बनाए गए हुए हैं। आपको कुछ दिखाता हूँ, एक ऐसे एक पूरा ऐसे टूर देता हूँ तो आपको लग जाएगा क्या क्या वो यहाँ पे बनाए गए। पी टाउन बेबी, वी लव मॉम, ये तो बीप करना पड़ेगा। ये क्या है, सैम बॉय, इधर ये ब्रीद एयर स्टॉप वेपिंग बायोलॉजीली, यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। ये देखो ये कचरे का गार्बेज डंप, भाई बहुत गंदी बदबू, यहाँ पे नहीं जा रहे। ये देख लो, फक्त पुलिस सेंडिंग यू लेटर्स। ये क्या लिखा है, बाबा सेब बॉय, सैम बॉय। और ये जो देख सकते हो ना, ये बानर हिल है, तो इसका मैंने ऑलरेडी व्लॉग बना के रखा है, अगर आपने वो देखा नहीं है तो यहाँ पे मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। गुड बॉय, चलो ऊपर। यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार के लोग आते हैं। एक तो कपल आते हैं, अभी हमारे साथ कोई कपल शायद से ऊपर है ऑलरेडी, या फिर ऐसे लोग आते हैं जो मतलब कुछ अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर एकदम मतलब बेस्ट सुसाइड पॉइंट है, वैसे बोल तो नहीं चाहिए बट सुसाइड करने भी लोग आ सकते हैं यहाँ पे। और हाँ, एक मेन स्पॉट है दारू पीने के लिए, सिगरेट ओढ़ने के लिए, वो सब करने के लिए, जो भी गंदे हरकत है वो यहाँ पे करने के लिए आते हैं। और कुछ हमारी तरह होते जो फोटोशूट करने आते हैं या फिर व्लॉग बनाने के लिए आते हैं। ये अभी इस एरिया में जा रहे चिन्मय भाई की पूरी फटी पड़ी है। ओ भाई, अभी हम दिन में आए तो इतना अंधेरा है, अंधेरा होते टाइम अगर आते तो भाई मेरी तो फट के हाथ में आती। ये देखो यहाँ से कितना अच्छा यूएफओ का व्यू देख रहा है। आई गेस यहाँ पे ऊपर और एक फ्लोर चढ़ेंगे ना, तो उधर से पूरा वो व्यू आएगा, वो जो बड़े बड़े बिल्डिंग से। यहाँ पे कुछ खास व्यू है नहीं। चिट्ठी यहाँ पे देखो, किसी का तो नंबर दिया गया हुआ है, कॉल करना चाहे तो कर सकते हो, कुछ ढेर वगैरह करना है तो। चिन्मय भाई की आवाज सुन के भाई भूत भी भाग जाएगा।
अरे बाप रे, इट्स फॉर ऑन वीडियो, ओके, इट्स नॉट वीडियो, गो एप जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर भाई, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है आप देख सकते हो, मतलब मेरी इतनी ज़्यादा फट रही है और कुछ अजीब अजीब आवाज़ भी आ रही थी। कैसा लगा मेरा मजाक? तो अभी जब वो होटल हुआ करता था ना, जब अच्छी कंडीशन में, तो ये कैसा रूम हुआ करता था आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बेल हुआ करती थी, अभी आपको एक रूम टूर देता हूँ। ये देखो, ये कबर्ड हुआ करता था, कुछ बचन ये कबर्ड में। उसके बाद ये वॉशरूम हुआ करता था, यहाँ पे नहाने के लिए। ये देखो, यहाँ पे शीशा हुआ करता था, वॉश बेसिन हुआ करता था, यहाँ पे मस्त बेड हुआ करता था, ये देख सकते हो। यहाँ पे भी काफ़ी सारे ग्राफिटीज बने गए हुए। और ये देखो भाई साहब व्यू, वाव, ये देखो UFO और कितनी बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, देख सकते हो कितना मस्त व्यू है। ये बानेर व्यू, बानेर हिल का जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा गजब का है, मस्त व्यू है। तो भाई लास्ट सीन के बाद क्या हुआ, जहाँ पर हम खिड़की पे खड़े थे ना, तो वहाँ पे पुलिस आ गई दो, और उन्होंने नीचे बोला, तो ये तो बुल डर गया। और मैं बोला हमने कुछ गलत काम किया है नहीं, ये करने के लिए आए भी नहीं थे। तो फिर एकदम चिल मोड में थे, और नीचे जैसे उतरे तो फिर पुलिस ने पूछा कि किधर से वो क्या करने आए थे। हमने बोला फोटोशूट करने के लिए आए थे। तो फिर बोले कि, और इसने पूछा कि मतलब क्या है इस जगह की हिस्ट्री, तो बोले कि अगर तेरे को बताते बेटे तो पूरा दिन चला जाएगा, मतलब वो मर्डर्स होते वगैरह, क्राइम्स होते बहुत सारे जहाँ पे हम गए थे। तो इसीलिए बोले कि रेड जोन है, ऐसा उन्होंने बोला था, ज़्यादा कुछ बात नहीं की। तो बोले कि वापस से मत आओ, इतना ही था। तो यही था, हम ऊपर तक गए नहीं और जाने का मूड भी नहीं था। तो आई होप आपको ये छोटा नहीं, कितना मुझे पता नहीं कितना बड़ा हुआ होगा व्लॉग, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत डरावना लगा, ये पूरे लगा, ये जैसे एंटर किया ना तब से डरा था। बोल के आया था कि मैं भूत हूँ यार, सच्ची में इधर बहुत हॉरर प्लेस है, तो इधर दोबारा नहीं आने का है। हम मेरे कमेंट भी नहीं करता हूँ किसी को आने के लिए, क्योंकि अभी जैसे रेड जोन है, इधर मत आओ सच्ची में। अभी वीडियो शूट पुलिस की चक्कर हो चुकी है इधर। वो बोले थे सुबह भी आके गए थे, अभी भी आके गए थे, तो पुलिस ने बोला रेड जोन है तो मत ही आओ। अभी हमें पता नहीं था वीडियो शूट करने से पहले कि जब हम आ रहे थे, तो मुझे तो पता नहीं था ये रेड जोन है और क्राइम्स मर्डर वगैरह होते हैं यहाँ पे, तो मत ही आओ आप। ताकि अगर आपको बहुत सारे मर्डर्स और शूट्स होते हैं इधर, सुसाइड भी होते हैं, जैसे कि आपने वो रूम्स देखा उधर, रेप्स मर्डर बहुत कुछ होता है उधर, बहुत रेड क्राइम सीन है इधर, तो इधर नहीं आने का। मैं तो दोबारा नहीं आने वाला इधर, सच्ची में। तुम भी थोड़ी वापस से आने वाला हूँ। हाँ नहीं, मतलब मैं क्या बताऊँ इस जगह का रिव्यू जो मैं देखा हूँ, और मैं यहाँ जो हॉन्टेड प्लेस है अंदर की डार्क वेब्स और ये सब बहुत गंदे है सच्ची में। छोड़ो ये सब, बाकी जाने से पहले अगर आपको मेरा वो बिजली नगर वाटर ट्रीटमेंट जो एबेंडेंट पड़ा है, अगर आपको उसका ब्लॉग देखना है, वो भी इसी तरह इस जगह की तरह ही है। तो आपको ये ब्लॉग अगर पसंद आया होगा तो वो ब्लॉग भी आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको मेरे पुणे फूड फाटाफाटी की वीडियोज़ देखने हैं, तो यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, टिल देन चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ। बाय बाय, कौन बोलेगा? हाय।